हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे एपॉक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, और इसको हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या इन दिस रिएक्शन, हम पहले इसको रिएक्शन को करके देखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। अगर हमें रिएक्शन करना आ जाता है तो देखिए डेफिनेशन लिखना बहुत ईजी है, क्योंकि जो हमने रिएक्शन में किया वही हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, हमारे पास दे रखा है यहाँ पर ये एल्कीन, इस एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जब हम इस एल्कीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास आएगा ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एपॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया हमारा ये एपॉक्सीडेशन, क्योंकि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये एपॉक्साइड, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे एपॉक्सीडेशन। तो एपॉक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पर एल्कीन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एजी। यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एजी, सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिसका टेम्परेचर होता है 200 से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एजी की प्रेजेंस में 200 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर ऑक्सीजन एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और ऑक्सीजन इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये ऑक्सीजन इस तरीके से ऊपर इससे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला ये एपॉक्साइड, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एपॉक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं, एपॉक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, डेफिनेशन को हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम इस रिएक्शन के थ्रू डेफिनेशन को बनाएंगे। देखिए कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे वैन एल्कीन, क्योंकि ये क्या है, ये है एल्कीन, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, देखिए ये क्या है, ये है एल्कीन, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वैन एल्कीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब एल्कीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वैन एल्कीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एजी कैटलिस्ट। ये क्या है, ये है एक कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्या लिख रहा है आपको, वेन एल्कीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एजी कैटलिस्ट, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 200 टू 400 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे हम, वेन एल्कीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एजी कैटलिस्ट एट 200 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉर्म एपॉक्साइड, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन। एक बार इसकी जो डेफिनेशन है वो चेक कर लेते हैं, वही है कि नहीं। तो देखिए वैन एल्कीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो जब एल्कीन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म एपॉक्साइड, एपॉक्साइड बना रही है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट, यहाँ पर हमने ले लिया है सिल्वर कैटलिस्ट एट 200 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने यहाँ पे ले लिया है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एपॉक्सीडेशन बोलते हैं। नोट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।